ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्स अप, मेरा नाम है आलोक भारतीय, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है ना दोस्त, इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं यार, कंटेंट राइटर्स नए कस्टमर्स या तो अपना धंधा बढ़ाने में क्यों क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं, वाई द कॉन्ट नाउ आपको पता है कि यू नो इंडिया इज द टॉप फ्रीलांस मार्केट आज के डेट पे, एंड कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन। कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव प्रोफाइल। आप घर पे बैठे बैठे यार, घर के कंफर्ट से यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम राइटिंग कॉन्टेंट। बट फिर भी यू नो, लेट मी टेल यू वाई कॉन्टेंट राइटर्स फेल टू गेट गुड क्लाइंट्स, फेल टू गेट गुड पेइंग कस्टमर्स। नंबर वन रीजन, इट्स बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो कंटेंट राइटर्स दे फेल टू शोकेस इनफ सैम्पल्स। जब भी मैं कोई कंटेंट राइटर से बात करता हूँ, नो लास्ट 10-12 दिन से मैं काफ़ी अभी बिजी था अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के, काफ़ी सारे कंटेंट राइटर्स के मैंने इंटरव्यूज़ लिए कंटेंट मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जब भी मैं सैम्पल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोई ना कोई यार अपने कोई थर्ड पार्टी लिंक भेज रहा है, या तो कोई अपना पुराना क्लाइंट कस्टमर का लिंक भेज रहा है, वेबसाइट का लिंक, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रूव देयर क्रेडिबिलिटी कि भाई ये मेरा है। क्या प्रूव है दोस्त? आई कैन नॉट ट्रस्ट, क्योंकि मेरे को आगे सर्विस देना है। वाई डोंट यू गो एंड, अगर आप एक कॉन्टेंट राइटर हो, वाई डोंट यू गो आउट एंड क्रिएट योर ओन ब्लॉग? अगर आप एक कॉन्टेंट राइटर हो तो लिंक्डइन का जो पल्स सेक्शन है उसको दिल खोल के यूज़ करो यार। लिंक्डइन का पल्स सेक्शन जहाँ पर आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। वाई डोंट यू राइट आर्टिकल्स ऑन मीडियम? Why don't you write articles on multiple communities? This is, भाई ये आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है, ये आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है। लेट मी टेल यू मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट राइटर्स यू नो दे फेल टू गेट क्लाइंट्स, क्योंकि उनका खुद का एक क्रेडिबल ऑथेंटिक पोर्टफोलियो नहीं है। पॉइंट नंबर टू, कंटेंट राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट राइटिंग ए ब्लॉग मैन, कंटेंट राइटिंग गोज फार बियॉन्ड दैट। कंटेंट राइटिंग कैन बी अ कॉपी ऑफ ए लैंडिंग पेज, कॉन्टेंट राइटिंग मे बी अ कैन बी अ सोशल मीडिया कॉपी, कंटेंट राइटिंग कैन बी अ वाइट पेपर, कंटेंट राइटिंग कैन बी एन ई बुक, कंटेंट राइटिंग कैन बी अ पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल, कंटेंट राइटिंग कैन बी अ रिपोर्ट, कंटेंट राइटिंग कैन बी अ केस स्टडी। लेकिन आज के डेट पे यू नो जब भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आता है कंटेंट डेवलपमेंट का, और वाइट पेपर है रिक्वायरमेंट, अगर ई बुक है रिक्वायरमेंट, और अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता हूँ मैसेज, बहुत ही ऐसे कम राइटर्स हैं यार जिनका मतलब जो कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं, या तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस या तो कोई पास्ट सैंपल शोकेस कर सकते हैं, जिसपे उन्होंने POV या तो वाइट पेपर या तो रिपोर्ट या केस स्टडी ऐसे असाइनमेंट्स पे काम किया हो। यू हैव टू एक्सपैंड योर स्किल्स, आपको अपना कंटेंट स्किल को एक्सपैंड करना होगा। यू हैव टू शोकेस एंड यू नो वेल कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो, एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, वाइट पेपर से लेकर के केस स्टडी से लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के ब्लॉग आर्टिकल, क्या नहीं है इसके अंदर। कॉन्टेंट राइटिंग वर्ल्ड इज ह्यूज, कॉन्टेंट इज द किंग कहते हैं, गो एक्सपैंड योर सेल्फ। पॉइंट नंबर थ्री, कॉन्टेंट राइटर्स क्यों फेल होते हैं पता है नए क्लाइंट्स पकड़ने में? बिकॉज दे हैव दे फेल टू प्रमोट देयर सेल्फ प्रॉपरली। अपने आप को प्रमोट करो। जैसे कि मैंने कहा कि यार कंटेंट राइटिंग आज के डेट पे एक लुक्रेटिव फ्रीलांसिंग धंधा बन सकता है। लर्न द आर्ट ऑफ प्रमोटिंग योर सेल्फ, लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट इज द किंग यार। हम लोग आप जैसे लोगों पे डिपेंड होते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को फ्यूल अप करने के लिए। आपके पास इनबिल्ट स्किल ऑलरेडी है, आपके पास इनबॉर्न स्किल ऑलरेडी है, यू आर ए कंटेंट गाय। गो लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉन्कर द स्पेस ऑफ कॉन्टेंट आउट देयर। देखते हैं यार कैसे क्लाइंट नहीं मिलता। सो गाइज, आई बिलीव दैट ये थ्री पॉइंट्स अगर आप एक कॉन्टेंट राइटर हो तो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक हो जाना चाहिए। इफ यू थिंक दैट आई मिस्ड ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट देन प्लीज़ कमेंट बिलो, आई वुड लव टू हियर यू आउट। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।